गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी बहुत दिनों तो बॉर्डर से डटे हुए गुरु नानक नाम लेवा समूह संगत भारत भर के नौजवान किसान बीबिया बजुर्ग सारे गज के फतेह बुलायो। मैं आप जी का बहुता समा नहीं लैना क्योंकि किसानों ने बहुत कम दियां गल्लां आप जी दस रहे ने पहला भी दसिया गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो पंजाब दे विच पहला दो महीने तो वख वख थावां ते किसान आगुआ ने मोर्चे लाए और अपनी गल नूं दुनिया विच दसिया क्यों करना पिया क्योंकि भारत की सरकार बहुमत की हैंकड़ दे विच जिहड़े बिल पास किए उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं हुई उन्होंने कोई बहस नहीं हुई। वह बिल वैसे ही पास कर दिते गए कानून बना दिते गए तुरंत ही किसान समझ गए कि साडे लई तबाही का संकेत लैके आ रहे ने ते बहुती देर नहीं लाई तुरंत ही संघर्ष विड़ दिता। पर भारत की सरकार से कोई जू ना सरके कोई गल करन तक तैयार ना होया तो फिर इन सूझवान आगुआ ने जिहड़ियां 31 जथेबंदियां ने मैं समझदा कल्ले सूझवान ही नहीं 40-40 साल का तजर्बा है इन्हां दे विच। मैं एक बेनती करना चाहना जे मोदी कहिंदा कि मेरे कानून सच्चे है मेरे कानून किसानां दे हक च ने फायदेमंद ने लाहेवंद ने ते फिर तेरा मीडिया है नैशनल मीडिया से तू बैठ जा ते किसान आगू बलवीर सिंह राजेवाल नूं उठा दिंदे आ होर भी एक तो एक वाधू है मैं कदा नां नहीं लेना चाहुंदा पर असीं उहनूं बिठा दिंदे आ ते थल्ले उहदे नंबर आउणे शुरू हो जाण कि मोदी नूं कोई वोट दिंदा है कि बलवीर सिंह राजेवाल ते समूह जथेबंदियां दे संघर्ष नूं वोट दिंदा है ते तू एक घंटा चर्चा कर ला एक घंटा तैनूं चैलेंज है पर वह वोट दुनिया तो होगी दुनिया तो जे तेन वोटा 40% भी पै जाए 40 ते तू कह दी ये जेड़े कानून है ये किसानों के हक च है तू हिक दे जोड़ना बहुमत दे जोड़ना जिहड़ियां नेता परती गल्लां रोज अज भी ये गल कह रहा है जिहड़े इन्हां दे मंत्री ने साडे किसान आगू इन्हां मीटिंगां करदे ने कहिंदे वीरो गलती हो गई पर इहनूं सुधारन वास्ते सानूं जांच भी तुसीं दसो पर ओह कहिंदा बिलकुल ठीक ने। साध सिंह जी ये धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मेरे वीर ने पहले भी कहा करतारपुर की धरती ते 12 साल लगातार खेती की गुरु साहब ने सानू हक लैण दा राह दसाया ते नाल बाणी विच बचन उचारे मन हाली किसानी करनी ये सानू समारा सच्चे पातशाह जी ने सिधान दसिया ते नाल इन्हां हक्कां वास्ते असीं किसी दे सहान कर नहीं आए। महाराज ते बड़े चा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच लिखिया जे तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै तान नत कीजै। अज दे संघर्ष विच की गायक की ढाडी की रागी की सिंह सभावां जथेबंदियां संप्रदावां संत समाज किसान जथेबंदियां मुलाजम आगू किहदा किहदा नां लईए ये सारे कमले ने कल्ला मोदी सियाणा है इन्हां नूं भी छड्ड लो सानूं छड्ड लो घट पड़े होवांगे। जिहड़ा साबका प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति है अमेरिका का ओबामा वह कहिंदा मैनूं सारी जिंदगी विच कोई अफसोस है कि मैं इस गंदे बंदे ने एक बार हाथ मिला लिया मोदी नाल मैनूं शर्म आउंदी कहिंदा इस गल ते जे इहो जे बंदे इतों वड्डी कोई गल हो सकती है। जे ट्रूडो कहिंदा है कि आ तुहाडी डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी के नाँ ते तू कलंक है भाव तू प्रश्न चिन्ह लाता होर की चाहना है। यूएनओ की एक लैटर जारी हो गई तू तेन फिर भी लगता है कि कानून हक च है 40 MPs ने लिख के दे दिता भी ये जो डेमोक्रेट ढंग के नाल बड़ी सियाणप से बहुत डिसिपलिन के नाल मर्यादा च रह के संघर्ष कर रहे हैं ये एक दुनिया को राह दिखावा संघर्ष है
तू फिर भी कहना कि मैं सच्चा है। इंग्लैंड अमेरिका कनेडा वर्गे किन्ने देशों के विच इस संघर्ष के हक में आवाज बुलंद हुई तैनू नजर नहीं आती। मैं इस मंच तो कहना चाहना है कि साडे जिहड़े आगू है वह बड़े सूझवान ने। जिहड़ी दलील ते तू पहुंचे होया भी शायद मैं फुट पा देवां इन्हां च कोई फर्क पैदा करदे आ दरार पैदा करदे आ यह बड़ा कुछ हंडाया इन्हां ने बहुत कुछ देखिया है। सानू पता है कि अपने हक मंगण वालियां ते यह भारत की सरकार तोपां भी चाड़ दिंदी है। इसे करके किसान आगू कहिंदे ने कि तुसीं सानू गोलियां मार दिओ पर असीं अपनियां मंगां तो अपने सिद्धांतक जिहड़ी गलबात हो रही तो एक भी पिछे नहीं हटना। गोलियां मार दो सानू मार दो तबाह कर दिओ क्योंकि उन्हां नूं पता है इन्हां किसानां नूं कि यह कुछ तुसीं कर सकदे आ। पर हुण जिथे तक गल पहुंच गई है मैं कहना चाहना कि हुण जिहड़ी कल दी मीटिंग है ना इहदे ते देरी ना करियो नहीं तो दुनिया भर दीआं डेमोक्रेटिक सरकारां वल्लों इंसाफ पसंद सरकारां वल्लों भारत नूं जिहड़ी लानत पैणी है ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਬੇਅੰਤਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਚੋ ਚੋਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। इस वास्ते मैं आपका ज्यादा समा ना लेंदा होया यह अवश्य है जित तुहाडी पैर तुहाडे पैर चुम्मेगी मोदी नूं अज नहीं ते कल झुकना पएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।